हेलो गाइस, आज है 3 अगस्त और अभी सुबह हो गई है, उठ चुका हूँ मैं, रात नहीं है। तो अभी सोच रहा हूँ मैं कि बाल कटवा लेता हूँ। देखो ठीक ठाक थोड़े बढ़ गए हैं, तो हाँ आज बाल कटवाने का प्लान है। अब देखो कटवाता हूँ कि नहीं, देखते हैं। अभी अभी 7 बजे, शायद 7:30 में जाने का सोच रहा हूँ। ठीक है, ये फ्लैश लाइट यार, तो देख लो ऐसे हैं मेरे बाल अभी तो। हाय गाइस, तो उस लास्ट फुटेज से अब तक बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। उस टाइम 7 बजे थे और अभी 10 बज रहे, 9:50 से ज़्यादा हो चुका है। तो मैं सो गया, बाल कटाने जाने वाला था 7:30 बजे। मैं बोला था शायद है, क्योंकि नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं सो गया। और अभी उठा हूँ, अब मैं जाऊँगा, देखता हूँ, जाता हूँ, है ना। वो सपना है यार, मस्त सा सपना है। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थोड़ी सी, पर अच्छा लगा, सपना अच्छा लगा भाई। उसी सपने के बारे में सोच रहा हूँ अभी भी। ऐसे कई बार रात भर में नहीं आता सपना, सुबह जब सोता हूँ, उठ के जब दोबारा सोता हूँ तो अच्छा सपना आ जाता है, जैसे अभी आया, अच्छा लग रहा है। ठीक है चलो। तो ये है आज का मेरा नाश्ता, ये है मूली आलू टमाटर वाली सब्जी और ये है रोटी। तो ये जो सब्जी है ये ज़बरदस्त लगती है, टमाटर वाली जो है। तो इसको पता नहीं आज की पापा बनाए कि मम्मी बनाई है, वैसे मम्मी का उपवास है तो हो सकता है ये सब्जी पापा बनाए हों। तो जब पापा बनाते हैं ना ये सब्जी, पापा की स्पेशलिटी है, इतनी ज़बरदस्त बनाते हैं, इतनी ज़बरदस्त बनाते हैं कि मज़ा आ जाता है। तो अब खाते हैं इसको। हेलो गाइस, तो बाल कटा के आ चुका हूँ मैं, अभी बजे 12:15 और नहा भी लिया हूँ, तो ऐसा कुछ लग रहा है, देख सकते हो कहाँ। अब मेरे को खुद नहीं पता, अभी खुद मैं ढंग से देखा नहीं हूँ, पर हाँ यही है। तो अभी कंघी करूँगा तो फिर और अलग दिखूँगा, तो और मतलब हेयर स्टाइल भी दिखेगा और अलग से, तो बस यही है। तो अब फिर देखो, लास्ट में जो बाल कटाया था वो था 13 अप्रैल को, तो उसके दूसरे दिन मैं फोटो खींचा था, वो 14 अप्रैल की फोटो है यहाँ, उसको देख सकते हो यहाँ कहीं होगी। और तब से फिर मई हो गया पूरा, मतलब 14 अप्रैल से जैसे गिनोगे फिर मई हो गया, जून पूरा, जुलाई पूरा, अभी अगस्त का टाइम आज कितना 3 तारीख है। तो तब से मतलब काफी छोटे करा लिए था बाल, आपने जो फोटो में दिख ही रहा होगा, तो अभी तो उससे बड़े ही है, जैसे पिछले बार जो कराया था उससे। अभी तो ऐसे पिछले बार तो इतना ज्यादा छोटा करा लिया था, इसलिए तो इतने दिन से फिर कटा नहीं रहता। ऐसा मेरा था प्लान कि इतने छोटे करूँगा फिर बढ़ाऊँगा फिर ऐसा थोड़ा, तो फिर तो ऐसा मेरा करने का मन था पहले। तो एक बार किया, पहली बार इतने छोटे बाल किया था मैं, ये जो फोटो में दिख रहा है। तो एक बाल में तेल लगा लिया, उसको थोड़ा सेट किया, अभी तो ऐसा लग रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा क्योंकि मैं रियर कैमरे से शूट कर रहा हूँ, पर हाँ देख सकते हो ऐसा दिख रहा है कुछ ऐसा। मैं खुद आईने में देखता हूँ कैसा दिख रहा है, ये बाल बैठ गए फिर से, ऐसे ही चलता रहता है, फिर से वैसे ही हो गया, तो सेट करने का कोई मतलब है नहीं। तो बस यही, एक सेकेंड ना, तो ऐसा है बस। और उस टाइम जो दिखाया था उसमें कम चीटी थी, अब तो और कई ज़्यादा चीटी आ चुकी है, देख ही सकते हो, सब मगन है खाने में। अभी बजे हैं 5:45 शाम के, तो पापा ऑफिस से आए हैं और लेके आए हैं जलेबी, ये देखो बढ़िया जलेबी खाता हूँ। भाई इतना छोटा लग रहा है वहाँ देखो। और तो अभी खाने के लिए बुलाए थे और आज फिर से बने हैं, इधर देखता हूँ।
तो आज फिर से बने आलू के पराठे। आज भी मम्मी का उपवास है तो आलू के पराठे बने मस्त। ऐसे में बताया था ना आलू हमारे यहाँ कितना मतलब खपत होता है आलू का, तो आलू के पराठे बने फिर से। और फिर अपने को देखता हूँ, बाल तो मस्त यार अच्छे लग रहे हैं, छोटे 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 बाल। और अभी मैं अपना डिनर लेके आ गया हूँ, ये रहा डिनर अपना, देखो दिखाता हूँ अच्छे से दिखाता है। ये रहे हमारे आलू के पराठे गर्मा गर्म, हाथ जल रहे थे। और ये सॉस है, सॉस के साथ खाता हूँ मैं आलू के पराठे। और मैं इसको ऐसे फैला के रख देता हूँ, एक के ऊपर एक रहता है तो गर्म रहता है, ऐसे में थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए, इसलिए ये मेरा ट्रिक है कुछ। तो ऐसे ऐसे फैला के रखता हूँ, फिर हिम्मत करके तोड़ के इसको खाता हूँ जल्दी से। गर्म रहते हैं, हाथ जल जाते, देखो तेरे।